की सबसे ताकतवर आवाज थी, आपने उसके साथ ये किया। कल कोई इस खुशफहमी में ना रहे या गलत फहमी में कि कल कोई फवाद चौधरी को नुकसान पहुंचा है, कल फवाद चौधरी कौम का हीरो बन गया है और जिन्होंने जुल्म किया उनका चेहरा सारी दुनिया ने देख लिया। यही वजह है कि रात को 11:30 बजे और 11 से 11:30 के दरमियान चैनल्स को हदायत आई कि आज का दिन, अगर यानी कल का जो दिन होगा, जो आज का दिन है, उसमें फवाद चौधरी के केस को जरा डाउन प्ले करना है। बहरहाल मैं यहां पे अपने इतिहादी चौधरी परवेज लाई साहब ने भी आज गुफ्तगू की है, मैं उनका भी बड़े अदब से जवाब देना चाहता हूं। देखें, चौधरी साहब हमारे बुजुर्ग हैं और हमारा अदब उन पर लाजिम है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतिहादी हैं और हम उनके इतिहाद जी जी और हमारा हम इस इतिहाद की बड़ी कदर करते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर आज पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात है, सवाबी से लेके ग्वादर तक, कराची से कोयटा, लाहौर से कराची, पेशावर, आप आजाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, तो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने रवायती सियासत को रद्द किया। हमने सौदेबाजी करके इक्तदार की सियासत को रद्द किया। हम जानते थे जब हमने असेंबलियां छोड़नी थी कि यह मुश्किल रास्ता है, हम जानते थे, हमें यह भी पता है कि अभी और मुश्किलात भी आगे आएंगी, हमें मालूम है और हम उसके लिए तैयार हैं अल्लाह के फजल से। लेकिन यह कहना कि मुल्क की मईशत डूब रही है, इंसानी हकूक का जनाजा निकल गया, अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया, सहाफती आजादी को खत्म कर दिया गया, मुल्क में जमहूरियत नाम की चीज कोई ना रह जाए और हम पंजाब हुकूमत में बैठे रहे, वजारत आला या वजीरों के मजे लूटते रहे, ये सियासत नहीं है। और ये यही सियासत है जिसकी वजह से आज बहुत सारी सियासी जमातों का वोट बैंक खत्म हो गया है और अगर किसी एक जमात का आज वोट बैंक है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रह गई है, क्योंकि हमने खुद इकतदार को हमेशा छोड़ के अपनी सियासत की है और इन तसव्वुरात की सियासत की है, कानून की बालादस्ती की, जमहूरियत की, सिविल सुप्रीमेसी की। वो तो इमरान खान आज भी सौदेबाजी कर ले तो वो वापस इकतदार में आ जाए, लेकिन उससे क्या फायदा होगा, उससे क्या पाकिस्तान के अंदर वो तब्दीली आएगी जिसके लिए इमरान खान और बहुत सारे ऐसे लोग जो सियासत में नहीं आना चाहते थे वो आए। और यही फर्क है हम में और बाकियों में कि हम इकतदार की सियासत नहीं कर रहे। और ये कहना कि फवाद चौधरी को पहले अंदर हो जाना चाहिए था, पंजाब हुकूमत बच जाती, फवाद चौधरी आज कौम का हीरो है और कोई कौम का हीरो नहीं है। और जिस तरफ हम जा रहे हैं, जो हम नया पाकिस्तान तसव्वुर कर रहे हैं, वो इस निजाम के जरिए नहीं हासिल हो सकता कि आप कभी किसी से बैठ के मिलके पंजाब हुकूमत ले लें या इक्तदार ले लें, कभी किसी से बैठ के ले लें और नीचे वोट बैंक है कोई नहीं, जमात है कोई नहीं, बस चार लोग इधर से मिलाए, पांच लोग इधर से मिलाए, कोई साजिश कर ली, कोई इंट्रीक कर ली, ऐसे नहीं। ये इमरान खान की सियासत नहीं है, इमरान खान की सियासत इससे मुख्तलिफ है। इस कुर्बानी और मुश्किल और हमें मालूम है कि क्या क्या इन्होंने रखा हुआ है और क्या क्या करेंगे, उसके लिए हम कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, कोई ऐसी किसी को परेशानी की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें जो थी ये फवाद चौधरी को भी मालूम थी, हमें भी मालूम है, लेकिन ये रास्ता लेना पड़ेगा अगर इस मुल्क में जमहूरियत की जड़ें मजबूत करनी है। सिर्फ इमरान खान को नहीं, पूरी कौम को लेना पड़ेगा। अगर इमरान खान को अकेले लेना पड़ेगा, अपने साथियों के साथ अकेले भी ले लेंगे, लेकिन ये सब सियासतदानों को रास्ता लेना पड़ेगा। कल फवाद चौधरी का जो ऊपर वो गुलाफ डाल के लाया गया, वो फवाद चौधरी के ऊपर नहीं गुलाफ डाल के डाया गया, वो पूरी जमहूरी निजाम के ऊपर गुलाफ डाल के उसको अदालत में इस तरह घसीटा गया। जिस तरह कल हाईकोर्ट के अंदर पहले शोर मचा के जी 1:30 बजे फवाद चौधरी पेश होएंगे, 2 बजे होएंगे, 3 बजे होएंगे, और पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस ने कतन हाईकोर्ट के जज की इस सख्त अहकामात को रद्द करते हुए उन्होंने गाड़ी मोटरवे पे डाली और वहां से चल दिए। और शाम को आके हाईकोर्ट के वो जज साहब भी ऑनरेबल जज हैं, बहरहाल उनके कोई होएंगे मसलहत या उनकी कोई रैशनैलिटी होएगी इसके पीछे, लेकिन वो भी मुतमईन नजर आए। तो इस तरह तो निजाम नहीं चल सकता, हमारी ये जिद्दोजहद जारी रहेगी और जमान पार्क के गिर्द हमारे हजारों कारकुन मुस्तकिल पहरा देते रहेंगे और हम सच बोलने से भी नहीं हटेंगे, हमारे साथियों की जरूरत भी कम नहीं होगी और इस मुल्क के अंदर जमहूरियत भी आएगी, इस मुल्क के अंदर इंशाल्लाह कानून का राज भी होगा, इस मुल्क के अंदर हर सहाफी की, हर वकील की, हर सियासतदान की डिग्निटी को और जिंदगी को प्रिजर्व भी इंशाल्लाह ताला किया जाएगा।
इसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, तो इंशाल्लाह ताला वो भी दी जाएंगी और इस मुल्क की मईशत को हम दोबारा खड़ा करेंगे। ये इसहाक डार की जो बनाना कुकू पॉलिटिक कुकू इकोनॉमिक्स इसे कहते हैं ना, जो बनाना रिपब्लिक के अंदर इस्तेमाल की जाती है, इससे मुल्क को फौरी तौर पर निकालना होगा। और अब आप देखेंगे कि ये जो पिछले 9 माह के अंदर जो इन्होंने मईशत का हाल किया है, अभी तो सिर्फ महंगाई आई है, अभी तो सिर्फ डॉलर डी वैल्यू हुआ है, किल्लत आई है, इसके असरात अभी आने हैं, इसके असरात अभी लोगों को नजर आएंगे। जब ये नए टैक्सेस लगाएंगे, जब ये नए बिजली के नर्ख बढ़ाएंगे, ये सारा कुछ करेंगे, इन्होंने पिछले 9 माह में पाकिस्तान की सियासत का नहीं, मईशत का जनाजा निकाला है इस मुल्क का। हर एक पाकिस्तानी को ये इल्म होना चाहिए। और लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, लोगों की इज्जतों को उछाला गया है, लोगों को ब्लैकमेल किया गया है, ये सब कुछ तारीख का हिस्सा बन चुका है। और अभी और भी बहुत कुछ होएगा, ये भी हमें मालूम है, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इंशाल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर एक जमहूरियत का निजाम आएगा और इंशाल्लाह ताला फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आएंगे, जिसके नतीजे में एक स्ट्रांग और स्टेबल हुकूमत को सामने लाना इस वक्त नागुजीर हो चुका है। और मैं यहां फाइनेंशियल टाइम्स के आर्टिकल की भी बात करूंगा, फाइनेंशियल टाइम्स जो कि बैनुल अक्वामी जरीदा है, आज जरा आप उसकी हेडलाइन देखें, उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान इकोनॉमिक कोलैप्स के करीब है और इमरान खान बहुत पॉपुलर है, ये भी उन्होंने उसके अंदर लिखा है। शायद यही वजह है कि इलेक्शंस नहीं कराए जा रहे, कि इमरान खान बहुत ज्यादा मकबूल हो चुका है। बहुत शुक्रिया। देखें जी, पहली मेरी बात सुने, देखें करप्शन के केसेस को सियासी इंतकाम ना समझे। अगर जरदारी ने नवाज शरीफ पे और नवाज शरीफ ने जरदारी और शहबाज शरीफ पे करप्शन के केसेस बनाए हैं, और अगर हमजा शहबाज के चपरासी के अकाउंट में से 3.5 अरब रुपए निकल रहे हैं, और कोई अदारा ये पूछता है कि ये 3.5 अरब रुपए जिस बेचारे के अकाउंट से निकले हैं, वो पुरसरार तरीके से उसकी मौत भी वाकया हो जाती है और बाकी भी सारे गवाहान मर जाते हैं तो या कत्ल कर दिए जाते हैं, तो कोई एजेंसी अगर पूछती है तो ये सियासी इंतकाम नहीं है भाई मेरे। अगर जरदारी से पूछा जाता है कि ये जो करप्शन आपने की है, ये इसके ये रकम सारी कहां से आई है, ये सरे महल कहां से आया है, ये एवनफील्ड ट्रस्ट कहां से बना था, तो ये सियासी इंतकाम नहीं है, ये एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। सियासी इंतकाम वो है जो कल फवाद चौधरी के साथ हुआ है, सियासी इंतकाम वो है कि जो इमरान खान को गोलियों से छली किया गया। और दूसरी बात, आपने लाहौर की तंजीम की बात की है, सुबह के 3 बजे अगर हजारों कारकुन जो जमा हो जाते हैं जमान पार्क में अपने कायद की हफाजत करने, तो वो कैसे जमा हो जाते हैं? अगर PMG चौंक के बाहर 12 घंटे से भी कम नोटिस के ऊपर हजारों लोग जमा हो जाते हैं, अगर लिबर्टी में कुछ तकरीबन 30 से 35 मेगा एहतजाज हुए हैं, जिसमें किसी को कोई गाड़ी नहीं दी गई, किसी को बुरयानी नहीं दी गई, कोई अल्लाह रखा पेप्सी नहीं आया वहां पे लोगों को महजूज करने के लिए, तो ये कैसे हो गया है? और ये सिर्फ लाहौर में नहीं हुआ, ये पाकिस्तान के हर कोने में हुआ है। आज भी अगर हम जी सर देखिए, हमारी कोई बातचीत जारी नहीं है, और मैं आपको यह भी बताऊं कि हमारा सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से या कोई भी इदारा हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट से हट के कोई इदारा हो, हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है।